गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 12, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट 3। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अब हम पार्ट 3 कर रहे हैं और पार्ट 2 जो है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हम पार्ट 3 कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने पार्ट 1 किया था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में इस तरह के फ़ायदे होने चाहिए जिससे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होए, प्रोडक्शन भी होए अच्छी और अच्छी पैदावार होए, लेकिन साथ ही साथ सॉइल की कंजर्वेशन और वाटर की कंजर्वेशन भी होनी चाहिए। रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, रिसोर्सेज को बचाना है। तो इस इंट्रोडक्शन में भी सेम मैंने यही चीज़ समझाई है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें हमें फ़ायदा हो, जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो अच्छी होए, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सॉइल की कंजर्वेशन होनी चाहिए और जो वाटर रिसोर्सेज है, वाटर जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इरीगेशन पर्पज़ के लिए, तो वाटर लेवल और जो वाटर टेबल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि वाटर कंजर्वेशन ही आ गया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि क्रॉप में प्रोडक्शन अच्छी होए, लैंड और सॉइल हमारी अच्छी रहे और वाटर कंजर्वेशन होती रहे। तो ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब रिसोर्सेज हमारे बच कर रहने चाहिए, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी वो भी इन रिसोर्सेज पर डिपेंड रहेगी, फूड के लिए, फूड एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी में हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एलिमेंट्स क्या हैं? तो एलिमेंट्स के आप नाम बताएंगे। फर्स्ट इज मिक्स फार्मिंग, सेकंड इज मिक्स क्रॉपिंग, थर्ड इंटरक्रॉपिंग, फोर्थ इज क्रॉप रोटेशन। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कई बार कि मिक्स फार्मिंग क्या होती है वो बताइए, या मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है इसका मतलब बताइए, इसके बारे में बताइए, इसके फ़ायदे बताइए, या इंटरक्रॉपिंग क्या होती है और इसके एडवांटेजेस बताइए, क्रॉप रोटेशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बताइए, या अलग से सिंगल क्वेश्चन आ सकता है कि मिक्स फार्मिंग क्या होती है ये बताइए, या मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्मर एग्रीकल्चर का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं। जैसे मिक्स फार्मिंग मीन्स टू अडॉप्ट साइड बिजनेस। साइड बिजनेस कैसे? जैसे एनिमल हस्बेंड्री, जैसे आपने देखा है कि फार्मर क्या है, खेती बाड़ी के साथ साथ गाय भैंसों का भी पालन पोषण करता है। ठीक है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री आ गया। एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन पोषण करना। पिसीकल्चर मतलब मछलियों का पालन पोषण करना। पोल्ट्री फार्म वगैरह जो हैंस वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स फार्मिंग आता है कि फार्मर जो है एग्रीकल्चर का तो काम कर रहा है, खेती बाड़ी का तो काम कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड वो अपने ये वाले बिजनेस भी कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स फार्मिंग। सेकेंड आता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ? मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम कल्टीवेशन करते हैं एक ही क्रॉप में, एक ही मतलब लैंड में डिफरेंट क्रॉप्स लगाना, डिफरेंट क्रॉप्स एट अ टाइम इन अ सेम फील्ड। फील्ड एक है, एक ही फील्ड है, मानो ये ज़मीन है, लेकिन इस पर दो तरह के फसल लगाने। जैसे एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, वीट प्लस मस्टर्ड, वीट प्लस पीजन पी, या ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, इस तरह। जैसे मान लीजिए ये लैंड है, एक लाइन आपने वीट की लगा ली, एक मस्टर्ड की लगा ली, फिर एक वीट की लगा ली, फिर एक मस्टर्ड की लगा ली, इस तरह। मतलब कि एक फील्ड में दो तरह के क्रॉप्स लगाना, दो या दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ दो क्रॉप्स की बात हो रही कि एक लैंड में दो तरह की क्रॉप्स को लगाना और कल्टीवेट करना। इसके एडवांटेजेस मैं आपको पीछे बताऊँगी। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है क्रॉप्स का ग्रो करना जो कि दो और दो से ज़्यादा होंगे।
सेम वही कि फील्ड एक होएगी, सेम फील्ड लेकिन दो से ज़्यादा क्रॉप्स। मान लो कि यहाँ पर हमने वीट लगा दिया, या फिर कोई और मटर की खेती कर दी, फिर साथ में फिर वीट लगा दिया, फिर सनफ्लावर के प्लांट, मतलब एक ही फील्ड में दो तीन चीज़ें ग्रो करना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक ही टाइम पे हमें दो तीन फसलें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हुआ इंटर क्रॉपिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक ही लैंड में रोटेशन करना। जैसे पहले 6 महीने हमने गेहूं लगा लिया, फिर दूसरे 6 महीने हमने मक्का लगा लिया, रोटेशन चलती रहे। ऐसा नहीं कि एक ही लैंड पे एक ही तरह की फसल लगाएं और चेंज ना करें, रोटेशन होती रहे। कभी आप पटाटो की खेती कर ली, कभी टमाटो की खेती कर ली, कभी मक्का लगा लिया, कभी गेहूं लगा लिया। तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो ये हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े कि एलिमेंट्स क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो 4 एलिमेंट्स हैं, मिक्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इसके बाद हम, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है और इसके एडवांटेजेस बताइए। तो मिक्स क्रॉपिंग मैंने आपको अभी बताया था, कल्टीवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स एट अ टाइम इन दी सेम फील्ड, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स लगाना, ठीक है, सेम टाइम सेम फील्ड पे। तो ये हुआ हमारा मिक्स क्रॉपिंग। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुना होगा, इस तरह की क्वालिटी जो है ये इम्प्रूव होती है, ठीक है। प्रोटीन जो पाया जाता है लैंड में वो भी इंक्रीज होती है। जब रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस अच्छी होएगी तो उससे फसलों में अच्छी पैदावार होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर, इससे सॉइल का मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। उसके बाद हेल्प टू द नेक्स्ट क्रॉप टू बी ग्रो, अगली क्रॉप को ग्रो करने के लिए हेल्प मिलता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम एक ही तरह की फसल नहीं लगा रहे हैं। अगर हम एक ही तरह की फसल लगाते रहेंगे तो उनको जो न्यूट्रिशंस चाहिए लैंड से, उनको एक ही तरह की मिल रही है और वो सारे न्यूट्रिशंस ले ले रहा है प्लांट, ठीक है। तो अगर आप दूसरे समय भी सेम ही लगाओगे तो जो प्लांट सेम टाइप का न्यूट्रिशंस ले रहा है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो भी न्यूट्रिशंस ले रहा है, तो एक ही तरह की न्यूट्रिशन ले लेके एक समय आता है सॉइल के पास वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स अलग तरह के न्यूट्रिशंस लेते हैं और कुछ अलग तरह के। तो जब तक मान लीजिए कि हमने कोई एक फसल लगाई है वो एक तरह की न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, तब तक दूसरे वाले न्यूट्रिशंस बन रहे होते हैं लैंड में जो ये प्लांट नहीं लेता लेता है, ठीक है। फिर जब हमने यहाँ दूसरा प्लांट लगा दिया या तो क्या हुआ, उसने ये वाले न्यूट्रिशंस लिए लेकिन जो पहले वाला प्लांट लेता था न्यूट्रिशन वो नहीं लेता था। उससे क्या होता है कि मतलब रोटेशन में न्यूट्रिशंस बनते भी रहते हैं, सॉइल का मॉइस्चर भी अच्छा बना रहता है और क्रॉप की प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, और इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता और हेल्प टू नेक्स्ट क्रॉप टू और वही नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये था क्रॉप सॉरी मिक्स क्रॉपिंग। अब सेम क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन मैंने आपको बताया कि रोटेशन करते रहना, पहले एक फसल 6 महीने, फिर दूसरे फसल 6 महीने। ऐसे नहीं कि एक ही फसल हर बार लगाते रहे, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन के फ़ायदे क्या हैं, ये एडवांटेजेस क्या है? इसके फ़ायदा है कि ये पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है। दूसरा सेम वही नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के रूट्स में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस चलती है तो ये न्यूट्रिशंस बनाए रखता है, जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ठीक है। उसके बाद जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का भी हम कम से कम यूज़ करते हैं, और रिड्यूस द मेंस ऑफ वीड इंसेक्ट एंड डिजीजेस। जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, वीड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स उगना, ठीक है, वीड्स की ग्रोथ कम हो जाती है, इंसेक्ट वगैरह कम होते हैं और पेड़ों को कोई भी डिजीज़ भी नहीं लगती है। तो ये क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसमें से भी आ जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाता है इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में डिफरेंस बताइए कि इंटरक्रॉपिंग क्या है और मिक्स क्रॉपिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इंटरक्रॉपिंग पढ़ेंगे। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, इंटरक्रॉपिंग में जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है, ठीक है, मतलब यील्ड वगैरह जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन वही अगर मिक्स क्रॉपिंग की बात करें, इसमें क्या है, रिडक्शन होती है, ठीक है, जो क्रॉप जो है मतलब इसमें क्या होता है कि रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉप डिग्रेडेशन, क्रॉप डिग्रेडेशन का रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इंक्रीज चांस होता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इसमें क्या है, डज नॉट फॉलो द पर्टिकुलर ऑर्डर, ये पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉप्स आर ट्रीटेड विथ फर्टिलाइजर इन द रिक्वायर अमाउंट, फर्टिलाइजर्स वगैरह इसमें डालते हैं, मतलब जो भी जितना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता, वो यूज़ नहीं करते फर्टिलाइजर्स का। उसके बाद है, इन इट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड थ्रेशेड इंडिविजुअली, क्रॉप को अलग अलग हार्वेस्ट करते हैं और थ्रेशर के थ्रू जो भी कटाई वगैरह होती है वो करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इंडिविजुअली नहीं करते। उसके बाद ईजी टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन इंटरक्रॉपिंग, इसमें स्प्रे वगैरह ईजिली होता है लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमने सारा कवर किया, हमने पढ़ा कि आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ा, जिसमें हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी, जो आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स पढ़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, तो फोर एलिमेंट्स हैं, मिक्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इस पर सिंगल सिंगल क्वेश्चन आया था कि मिक्स फार्मिंग क्या है बताओ, या मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, या इस तरह भी क्वेश्चन आएगा, मिक्स क्रॉपिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस बताइए, इंटरक्रॉपिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस बताइए। तो मिक्स क्रॉपिंग और इसके एडवांटेजेस हमने कर लिए, क्रॉप रोटेशन और इसके एडवांटेजेस हमने कर लिए। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग किया। तो आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।